प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को विस्तार दिया गया। इसके तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही वो ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की। वहीं पीएम कई राज्यों में अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं भी वर्चुअली लॉन्चिंग की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, यूपी के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली के एम्स में सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का जो हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। आपके द्वारा देश को आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5,00,000 रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें आपने 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश में 10,000 से अधिक जन औषधि स्टोर खोलकर देश के नागरिकों को सस्ती, उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान की है, जिसका लाभ प्रतिदिन 20,00,000 से अधिक लोग ले रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे देश में लगभग 2,50,000 से भी अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जिसके जरिए राज्य सरकारों को मदद दी जा रही है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवा के साथ लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां।